नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। MSDS इज इक्वल टू SDS, MSDS को ही अभी SDS बोलते हैं। तो हम लोग इसमें देखने वाले व्हाट इज MSDS, हु प्रिपेयर एंड प्रोवाइड MSDS, कौन कौन देता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड ऑन MSDS, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सिंबल ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, उसके सिंबल्स के ऊपर आप कौन सा MSDS है कैसे पहचानते हैं, ये आपको बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं व्हाट इज MSDS। MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। यह एक डॉक्यूमेंट है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और यह इंफॉर्मेशन हजार्डस सब्सटेंस या डेंजरस गुड्स होते हैं या उन कैटेगरी में आने वाले जो भी प्रोडक्ट है या सब्सटेंस है या केमिकल है उसके बारे में उनकी सेफ्टी इंफॉर्मेशन यह MSDS में होती है। तो चलो आगे देखते हैं हु प्रिपेयर एंड प्रोवाइड MSDS। MSDS कौन प्रिपेयर करता है और कौन प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टेंट यह डेंजरस गुड्स या हजार्डस सब्सटेंस का, तो उसने हर एक जो उसके प्रोडक्ट है तो इसका MS उनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टेंट की यह जिम्मेदारी है कि जो किसी को यह प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और फिर जो एम्प्लॉयर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है या फिर स्टोर करके रखता है तो उसको करंट MSDS प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उस मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टेंट की होती है। तो उसके बाद यह जो MSDS होता है उसको रिव्यू और रिवाइज करना है। कब करना है, जब इसकी नेसेसरी हो, और एटलीस्ट 5 साल के अंदर आपको यह इंश्योर करना है कि इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है और अप टू डेट है। तो आगे है तीसरा, हॉट इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑन MSDS। तो जान के लेते हैं कि MSDS में क्या इंफॉर्मेशन होती है और उसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो डेंजरस गुड्स और हजार्डस सब्सटेंस है उसका नाम उसके ऊपर आता है। आगे है मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टेंट सप्लायर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर उसके ऊपर मेंशन रहता है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, वह इसके लिए रहता है कि हम लोग कॉल करके इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। आगे फिर उसके बाद MSDS कब प्रिपेयर कर दिया गया है, रिव्यू कर दिया गया है, उसकी डेट उसके ऊपर रहती है। आगे है जो सब्सटेंस है वह हजार्डस कैटेगरी में आते हैं तो उसका स्टेटमेंट क्या रहता है। उसके बाद है शिपिंग नेम, UN नंबर, यूनाइटेड नेशन नंबर, और सब्सटेंस। आगे है हजार्डस सब्सटेंस का रिस्क कितना है, यह भी उसके ऊपर मेंशन होता है। हजार्डस सब्सटेंस की फर्स्ट एड मेजर्स रहती है, यानी कि वह हजार्डस सब्सटेंस किसी के कांटेक्ट में आ गया तो उसके ऊपर फर्स्ट एड मेजर्स क्या लेंगे, यह उसके ऊपर रहता है। आगे है उसमें उसकी इमरजेंसी प्रोसीजर भी दी हुई रहती है। हजार्डस सब्सटेंस की रिलेवेंट क्या हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं वह दिया रहता है। आगे इसमें देखते हैं हजार्डस केमिकल की फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज क्या है, वह भी मेंशन किया हुआ रहता है। हजार्डस सब्सटेंस की क्या प्रिकॉशन है वह भी दिया हुआ रहता है। उसके साथ क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल करना चाहिए, क्या PPEs पहनना चाहिए, वह भी मेंशन रहता है MSDS के ऊपर। आगे वह सब्सटेंस की सेफ्टी कैसे स्टोरेज करनी है, कैसे कैरी करना है, वह भी मेंशन किया हुआ रहता है, और उसको और उसके उसको डिस्पोज कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है, वह भी उसके ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है। उसमें उसके फायर मेजर्स क्या है वह भी मेंशन किया हुआ रहता है। वह सब्सटेंस में क्या क्या इंटीग्रेटेड है और उससे क्या हेल्थ इफेक्ट है वह भी मेंशन किया हुआ रहता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सिंबल्स ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। यह हजार्डस सब्सटेंस को सिंबल के जरिए कैसे पहचानी देखते हैं। पहले जो सिंबल देख रहे हैं वह है एक्सप्लोजिव सिंबल। ये सिंबल देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये हजार्डस सब्सटेंस एक्सप्लोजिव टाइप का है। दूसरा है फ्लैमेबल सिंबल।
यह सिंबल देखने के बाद आपको आराम से पता चलेगा कि यह हजार्डस सब्सटेंस फ्लेमेबल है। आगे है कोरोसिव सिंबल, उसके बाद है डेंजरस हजार्ड सिंबल, उसके बाद है टॉक्सिक गैसेस जहरीला, उसको बोल सकते हैं। आगे है सीरियस हेल्थ हजार्ड सिंबल। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।